ये से रुपये जी बात करेंगे सोयाबीन की, तो सोयाबीन का जनवरी वादा देख रहे हैं 6270 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है और 6300 का ही लगा चुका है, 1% की गिरावट है। रुपये जी कल को हमने सोयाबीन में बाइंग इनिशिएट होते हुए देखी थी, 6300 के ऊपर ट्रेडिंग दर्ज हुई थी, आज देख रहे हैं कि 6200 के लेवल्स पर ट्रेड करती नजर आ रही है। आपको क्या लगता है सोयाबीन में जो रेंज देखने को मिल रही है वायदा के अंदर, तो क्या ये आगे भी देखने को मिलती रहेगी? हालांकि हम देख रहे हैं कि जो हाजिर बाजार है, हाजिर बाजार में सोयाबीन 6700-6800 पर बिकती नजर आ रही है, किसानों ने एक बार फिर से स्टॉक करना शुरू कर दिया है। आपको क्या लगता है, क्या उसका असर वायदा पर भी पड़ता नजर आ सकता है और सोयाबीन 7000 के पार भी जा सकती है? देखिए अभी तो फिलहाल जो रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है सोयाबीन की, वो 6000 से लेकर 6500 की रेंज है फिलहाल, इसी के बीच में बाजार दिखाई दे रहा है। और जैसे जैसे विदेशी बाजारों में माहौल तेजी का बनता है तो उसका असर जो है डोमेस्टिक मार्केट पर आता हुआ हम देखते हैं, और जिसके चलते सोयाबीन सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अभी बहुत ज्यादा फिलहाल तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि हाजिर मंडियों में भी अभी फिलहाल मांग जरूर निकल रही है, लेकिन इसका सप्लाई कम होने से हमने देखा कि कीमतें सपोर्ट लेती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन उधर सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों की वजह से बाजार जो है वो रुक सा गया है। तो आप ये मान के चलिए कि अभी 6500 तक मैक्सिमम तेजी है और नीचे में 6000 का स्तर है जी।